तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जो भी पुली यूज हुई है, मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, और यहाँ पर ये जो ए वाला ब्लॉक है जिसके पास मास 10 kg है और कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ प्रेजेंट है जी 0.02 है, और ब्लॉक स्लाइड द डाउन एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ब्लॉक जो है कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब होता है एक्सलेशन 0 से नीचे आ रहा है। तो बी ब्लॉक का मास निकालो। चलो मास मान लेते हैं एम डैश, और अगर इस पे फोर्सेस देखोगे तो सबसे पहले इस पे टेंशन ऊपर लगेगा, नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड आएगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है और इसका एक्सलेशन 0 है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इधर और एफ फ्रिक्शन। और ये अब इन दोनों को कौन बैलेंस करेगा? इन दोनों को मुझे एम जी का कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा। तो एम जी ये अगर ये 30 है तो ए भी तो 30 है यार, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी साइन 30, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी कॉस यहाँ से 30। तो अगर तुम देखोगे सिंस कॉन्स्टेंट स्पीड से स्लाइड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ एम जी साइन 30 की वैल्यू बराबर होगा टेंशन प्लस फ्रिक्शन के, और टेंशन प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, और यहाँ से नॉर्मल तुम निकाल सकते हो, नॉर्मल एम जी कॉस 30 के इक्वल होगा यहाँ पे, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू टेंशन टी प्लस म्यू, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ डाल दोगे एम जी कॉस 30, और टेंशन की वैल्यू इस ब्लॉक से निकाल दो। बी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टेंशन ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा एम डैश जी, सिंस इसका एक्सलेशन 0 है जहाँ ऊपर आ, तो टेंशन बराबर होगा एम डैश जी के, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम डैश जी प्लस यहाँ से म्यू एम जी कॉस यहाँ से 30, और यहाँ पर देखोगे यहाँ से आ जाएगा एम जी साइन 30। अब जी सब में तो कैंसिल हो गया, तो इधर बचा एम साइन 30 यहाँ से, और माइनस यहाँ से म्यू एम कॉस 30, और इधर आ जाएगा एम डैश ठीक है। तो यहाँ से एम डैश, एम की वैल्यू यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा साइन 30 और माइनस यहाँ से म्यू कॉस 30 ठीक है ना। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, समय आ गया वैल्यू रखने का। तो यहाँ से मास की वैल्यू कितना, मास की वैल्यू 10 है, साइन 31/2 माइनस ये 0.2 है, कॉस 30 साइन 60 √3/2 है, तो यहाँ से 10 और ये 0.5 आ जाएगा हाफ, और ये 0.1 और मल्टीप्लाइड बाई 1.7, तो ये आ जाएगा 5 माइनस, और 5 यहाँ से तुम देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.17, 0.17 यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो, अगर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें पॉइंट हट जाएगा, तो 1.7 बचेगा इसमें, ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये फाइनली बचेगा 5 माइनस ये यहाँ से, और 1.7, तो 5 माइनस 1.7 मतलब 3.3 केजी जो है मास रहा होगा। तो फाइनल अगर सोल्यूशन देखोगे यहाँ पे तो अपना बी ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू।